कन्याकुमारी से शुरू हुआ। मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी भाई आप रनिंग कमेंट्री बंद करो नहीं तो हम भी चालू करेंगे। सुनने का जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था उसको मैं समझना चाहता हूं। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, एक सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या, 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द, हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चीटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। और रोज मैं डर डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा, ये मेरे दिल में डर था। और जब भी ये डर बढ़ता था, जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती थी। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। सिर्फ उसने नहीं, लाखों लोग। और शुरुआत में जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, मैं एकदम उसको पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मगर इतने लोग आए,
हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया। मैं जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था वो बंद हो गया, बोल ही नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों से बोलना था। और एक सन्नाटा सा छा गया, भीड़ की आवाज थी, भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो। और जो मेरे से बात करता था उसकी आवाज में सुनता गया। हर रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक आम आदमी, गरीब अमीर, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, सबकी आवाज। आ रहा हूं। आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक लो, 5-10 मिनट रुक जाओ। तो ये चलता गया, मैं बात सुनता गया। और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी यही बचा है मेरे खेत का यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। जो उसके आंखों में शर्म थी जब वो अपनी बीवी से बात करता था, वो शर्म मेरी आंखों में आई। जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझ आई। और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई। मुझे भीड़ की आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था। उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन गया। समझने की कोशिश करो। भाइयों और बहनों, लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है,
मगर भाई और बहनों सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है, ये देश इस देश की लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी, इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाई और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समय जवाब किसको मिलेगा, फिर पूरा सूद समय जवाब देंगे सर, फिर आप हमें मत रोकेगा सर, अध्यक्ष महोदय फिर आप हमें मत रोकेगा सर, आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमें मत रोकेगा, आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमको मत रोकेगा सर, हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप हमको फिर मत रोकेगा। तो स्पीकर सर, स्पीकर सर, भारत एक आवाज है, भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है, और अगर हम उस आवाज को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है, मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे समय जब मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे हैं तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे। बैठे नहीं है, चुपचाप करिए सर, पूरे सब खड़े होंगे। सर कल सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा
क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा का सम्मान कर, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल मर, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आप धैर्य दिए, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे जैसे सर, शर्म करिए, शर्म करिए, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई मेरे सामने, कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। अरे दो भाग के हैं, शर्म करिए जी, माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें प्लीज प्लीज। मणिपुर, हाँ क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। एक यार भाई, क्या बात है, सात दशक चारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में
कांग्रेस में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं प्रॉब्लम अपना बात करते हैं आज सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से चला हुआ है। प्लीज बालूजी एक मिनट प्लीज बैठिए। मान्य सदस्यगण जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है ऐसे सदन नहीं चलेगा। और भाई के साथ सदन नहीं चलाना चाहते अलग बात है। अब अपनी बात कही है गलत तरीका ये नो ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी प्लीज बैठिए। भारत माता प्लीज बैठिए। भारत माता प्लीज बैठिए। प्लीज ब्रदर मैं बहुत शांति से सुन रहा हूँ। इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज जैसे मैंने प्लीज ब्रदर ब्रदर प्लीज भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। आप देशभक्त नहीं हो। आप देश प्रेमी नहीं हो। आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज प्लीज बैठे प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। भारत माता की हत्या की है मणिपुर में। मणिपुर के लोगों के दिल में एक मिनट बैठिए आप। सवाल उठता है एक मिनट आप भी विराजमान।
आप भी विराज, आप भी विराज हो, आप भी विराज हो, आप बैठिए सही, नहीं बैठिए रहने दो आप, चलो आप बैठिए, बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज आप बोल रहे, फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो, प्लीज मानस हो, प्लीज प्लीज मानस हो, प्लीज 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 देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है, और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की, दो लोगों की आवाज सुनते हैं, किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं, नो नो, एक गलत तरीका मान्य सदस्य, देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए आप, ये पहले आप पोस्टर ले आए, गलत तरीका आपका माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए, आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण, रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप सही है, बोले आप, ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर।